108 पुनिश्री चिन्मय सागर जी महाराज ने कर्नाटक के बेलगांव जिले के जुगुल ग्राम में यम संलेखना का नियम लिया। उन्होंने चारों प्रकार के आहार का दान कर दिया है। वे अपने मृत्यु महोत्सव के अंतिम चरण की ओर अग्रसर हो गए हैं। 11 अक्टूबर को उन्होंने 2 अंजलि जल के रूप में अंतिम बार आहार लिया था। 19 सितंबर को मुनिश्री चिन्मय सागर जी महाराज ने नियम संलेखना का व्रत धारण किया था। यम संलेखना का नियम लेने के पूर्व उन्होंने अपने गुरु परम पूज्य 108 श्री आचार्य विद्यासागर जी महाराज के चरणों में शत शत प्रणाम करते हुए सभी मुनि संघों का स्मरण करते हुए नमोस्तु बोला। उसके बाद उन्होंने यम संलेखना का व्रत लेते हुए कहा कि उन्होंने चारों प्रकार के आहार का त्याग मृत्यु पर्यंत के लिए कर दिया है। जंगल वाले बाबा ने ब्रह्मांड की सभी जीवों, अपने भक्तों और सेवा करने वाले मुनिराजों ब्रह्मचारी भैया से क्षमा मांगते हुए अपनी अंतिम इच्छा को प्रकट किया। मुनिश्री चिन्मय सागर जी महाराज ने अंतिम इच्छा के बारे में बोलते हुए कहा, जब तक मेरी सांसें चल रही हैं, मेरा चिंतन चल रहा है। शुद्ध चेतना, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध आत्म ध्यान के साथ में खड़गासन मुद्रा में अंतिम सांस लूं, इसके लिए उन्होंने संलेखना करा रहे जैन मुनियों, ब्रह्मचारी भैया एवं भक्तों से उनकी अंतिम इच्छा पूरी करने का निवेदन किया। मुनिश्री चिन्मय सागर जी महाराज अपने जन्म स्थल जुगल ग्राम में चातुर्मास करने के लिए पहुंचे थे। यहीं पर उनका स्वास्थ्य खराब हुआ। यहीं पर उन्होंने नियम संलेखना तथा यम संलेखना का नियम लिया। अपनी पूर्ण चैतन्य अवस्था में वह मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर हैं। इस अवसर पर बड़ी संख्या में उनके अंतिम दर्शन करने के लिए दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं। उनके भक्त उनके एक दर्शन को पाने के लिए लालायत हैं। वहीं मुनिश्री चिन्मय सागर जी महाराज भी अपने भक्तों को आशीर्वाद देकर उन्हें अभिभूत कर रहे हैं। ये दृश्य सभी को न केवल रोमांचित कर रहा है, वरन जैन मुनि किस तरह मृत्यु का वर्णन करते हैं ये देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। रोजाना हजारों की संख्या में भक्त और श्रद्धालु उनके दर्शन करने पहुंच रहे हैं। सभी राज्यों को सबको नमस्तु 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 नमस्तु। आज चतुर्दशी है, खुशी के दिन है। आज चतुर्दशी के दिन मैंने सोच लिया है उपवास के साथ जीवन पर्यंत के लिए चतुर्विध प्रकार का आहार का त्याग कर यम संलेखना लेता हूँ। आज के बाद जीवन पर्यंत के लिए मेरे चारों प्रकार के आहारों का त्याग। आज मैं धन्य हो गया हूँ, मेरा जीवन सार्थक हो गया है। सभी संयमियों के लिए मेरे नमोस्तु। सभी जीवों से मैं क्षमा चाहता हूँ। ये मेरा अंतिम आत्मार्थिक प्रतिक्रमण है।
आप सभी सेवा करने वालों के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। एक अंतिम पड़ाव अंतिम मुकाम को मेरे को पार करना है, वह भी बहुत अच्छे से होगा, किंतु एक अंतिम भावना बार बार मन में आ रही है कि अंतिम समय अंतिम दिन अंतिम श्वास को मैं कैसे लूं, इसके बारे में मेरा चिंतन चल रहा, उसके बारे में भी मैं सोच रहा हूं। हम अरे इतने सारे साधु लोग सेवा में लगे हुए हैं, इतने सेवक भाई आदि ब्रह्मचारी आदि इस काम में लगे हुए हैं, बस मेरी एक अंतिम भावना है कब कैसा क्या होगा इसके बारे में तो कह नहीं सकते, लेकिन एक अंतिम भावना है। मैं जब भी अंतिम क्षण आ जाए उस समय आप सभी मेरे को साथ दे, मेरी भावना है। अंतिम सांस अंतिम क्षण मैं सावधान रहूंगा, आपको संकेत दूंगा, मेरे को खड़े करके रखो, मैं शुद्ध चेतना शुद्ध ज्ञान का अनुभव करते हुए शुद्धात्म ध्यान में लीन होते हुए मैं खड्गासन के साथ अंतिम श्वास में मेरी ये भावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, EMS TV, भोपाल।